बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम तौसीफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये दिसंबर का महीना है और आज 11 दिसंबर है 2022। गुज़िश्ता दिनों से वेदर कनाडा ने पेशनगोई कर रहे थे कि आज बर्फ़ गिरेगी, तो यही हुआ। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि आज तो मौसम बहुत वाइट है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। और देखा जाए तो ये आज कनाडा की पहली बर्फ़बारी है, बल्कि नॉट कनाडा की, हमारे जो ओंटारियो है यानी ईस्टर्न ओंटारियो और ख़ास तौर पे जहां हम रहते हैं टोरंटो में, ये इसकी पहली है। क्योंकि इससे पहले हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो आज बर्फ़ अच्छी गिरी है और बहुत सब चीज़ें वाइट हो गई है। तो चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर के क्या मनाजिर हैं। ये हम पहले ऊपर से देखेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको नीचे लेके चलूंगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खिड़की की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा फ्रंट है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर चीज वाइट हुई हुई है और राइट साइड पे जो बालकोनी है वो भी, और नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन पर भी बर्फ गिरी हुई है। और ये हर तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरा वाइट हुआ हुआ है। तो ये आज ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बर्फ है कि इसने हर चीज़ को वाइट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो सामने वाले नेबर्स हैं वो बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। तो कनाडा में बेसिकली ज़्यादातर यही होता है कि सब लोग अपना काम खुद कर रहे होते हैं, और चूँकि रात में बर्फ़ गिरी है तो सब लोग जो है अपने अपने ड्राइववे को और अपने घर के आगे जो फुटपाथ है चलने वाला उसे साफ़ करना है। क्योंकि बायला ये सब चीज़ें आपको करना होती हैं। अगर आप इसको नहीं करेंगे और कोई स्लिप हो गया आपके घर के आगे तो वो आपको स्यू कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि सब लोग सुबह उठें और उठने के बाद जो है वो अपना ये काम खुद करें। आप देख सकते हैं कि हमारे घर के बाहर भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो वो सब जो है बर्फ़ में है, पूरा ड्राइववे बर्फ़ में है। तो अब हम इसके बैकयार्ड की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। तो पीछे अगर आप देखेंगे, कनाडा में अच्छी बात यह है कि चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं घरों में, तो जिसकी वजह से आप कहीं से भी अपने घर को पीछे से देख सकते हैं। तो ये बैकयार्ड है, ये वही बैकयार्ड है जहां हमने पिछले हफ्ते अपनी फेंसिंग का काम कंप्लीट किया था। आप देख सकते हैं कि ये सोलर प्लेटें हैं, इन पर भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, तकरीबन 2-2 इंच तो होगी। तो इस तरह पीछे हर तरह वाइट हो चुका है। ये दूसरी तरफ से भी आपको नज़र आएगा। आइए हम अभी दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैकयार्ड आपको वाइट नजर आया है हर तरफ से। आइए अगले कमरे से देखते हैं। इस अगले कमरे में जो है क्या है, यहाँ से भी आप देख पाएंगे कि हर चीजें पूरी वाइट नजर आ रही है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:45 बज रहे हैं, तो आज 11 दिसंबर है 2022। इस रूम से भी देखते हैं कि यहाँ ये भी फ्रंट है, ये फ्रंट पर जो है किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी जो छत है वो वाइट हुई हुई है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या है इसका। जी दोस्तों, अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके देखते हैं बाहर की तरफ कि बाहर का कैसा है। سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالق।
ये हम फ्रंट व्यू पे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं कि हर चीज वाइट हुई हुई है और पूरा सब बर्फ में ढका हुआ है। और अभी हम बैकयार्ड की तरफ जाते हैं और फिर देखते हैं कि बैकयार्ड में जो है वो किस तरीके से बैकयार्ड से कैसा लगता है। तो ये फ्रंट पे देख लेते हैं, फिर हम अभी आपको उसके बाद बाहर की तरफ लेके जाएंगे। और बाहर से आप जैसा कि देख सकते हैं कि घर के आगे भी ये पूरी बर्फ आई हुई है और ये सब जगह जो है सब चीजें बर्फ ही बर्फ में। और अभी बर्फ गिर रही है, इस वक्त गाड़ियां आ रही हैं, पर उसमें भी आप देख सकते हैं कि सब जगह क्या बर्फ गिर रही है इस वक्त। अब हम बैकयार्ड की तरफ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी बैकयार्ड की तरफ आ रहे हैं और बैकयार्ड पे आप जो है देख सकते हैं कि इस वक्त ये भी पूरा बर्फ में फिलअप हो चुका है। यहाँ पिछले हफ्ते हमने ये वही जगह है जहाँ फैंस में हमने काम किया था और फैंस को बनाया था। तो इस वक्त ये कार्रवाई चल रहा है लाइव पाकिस्तान से। सब सुबह का टाइम है, 9 बजने वाले हैं तकरीबन, और आप देख सकते हैं कि ये वही फैंस है जो हमने का पिछले हफ्ते वीडियो शूट की थी। बाहर देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है और इस वक्त बर्फ गिर रही है चारों तरफ, और अभी लगता है आज सारा दिन बर्फ गिरेगी। तो चलें, अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो हम अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद फिर आपको बाहर की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो रहा है, आप लोग भी आइए और ब्रेकफास्ट कीजिए। तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करें और बाहर बर्फ गिर रही गिरने लगे और ये गिर रही है तो कितना अच्छा लगता है। इस वक्त ब्रेकफास्ट का मज़ा ही दुबाला हो जाता है कि आप लाइव जो है बर्फ़ को गिरते हुए देख रहे हैं और साथ साथ आप ब्रेकफास्ट ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त ये पराठा है और अंडा ऑमलेट है, मोस्टली मैं यही खाता हूँ पराठा और अंडा ऑमलेट। तो ये हमारी वाइफ ने बनाया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लजीज है। तो चले ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और इसके बाद। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम बाहर की तरफ जाते हैं जहाँ हमारा अगला मरहला बर्फ़ साफ करने का है। तो हम बाहर जाके बर्फ़ साफ करेंगे और फिर आप देखिएगा कि कनाडा में बर्फ़ साफ करना कितना ज़रूरी है। तो हम जो है ये गैरेज से एंटर हो रहे हैं और ये गैरेज है, गैरेज के बाहर सब चीज़ें हैं, इसमें हमारी शावल और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम बर्फ़ साफ करते हैं, तो गाड़ियों वगैरह पे सब पे बर्फ़ जमी हुई है। तो ये इसकी शावल वगैरह रखी हुई है, और तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर और फिर हम आपके साथ बाहर चलते, आप हमारे साथ बाहर चलिए। तो दोस्तों जब भी हम बर्फ़ साफ करते हैं बाहर, बर्फ़ साफ करने के लिए हमने ये हैवी ड्यूटी बूट रखे हुए हैं जो कि लॉन्ग शूज हैं, ताकि बर्फ़ जो है वो अंदर नहीं जाए और हमें सेफ कर ले। इसके साथ साथ जो है ये हैवी ड्यूटी जैकेट है, फिर ये ग्लव्स है, ग्लव्स से जो है आपको इजी हो जाता है क्योंकि आज टेम्परेचर तकरीबन -4 के आसपास है और जब विंडचिल चलती है तो वो विंडचिल के बाद ज़्यादा हो जाता है। तो चले हम पहले आपको बाहर का दिखाते हैं और उसके बाद जो है जिस तरह हम सफाई करते हैं उसके बाद वो भी दिखाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं बाहर। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी पर बर्फ सारी पड़ी हुई है और ये बाहर के मनाजिर हैं। इस वक्त देख रहे हैं कि हमारा जो दरवाज़ा है
ये भी तकरीबन बर्फ में कवर हुआ हुआ है। और पीछे देखते हैं, ये नेबर हैं, नेबर पे भी गाड़ी पर बर्फ जमी हुई है। और ये पीछे जो बैकयार्ड जाने का रास्ता है, यहाँ भी नज़र आ रही है आपको कि बर्फ़ मौजूद है। तो हर चीज़ पीछे, ये एयर कंडीशन है, सर्दियों में इसको बंद कर देते हैं ताकि यहाँ सारे गारबेज बिन वगैरह रखे होते हैं तो हर चीज़ उसमें चली जाती है। तो ये पीछे का जो आप देख रहे थे, बाहर का दिखा रहे थे ऊपर से, ये सब बर्फ़ वगैरह लगी हुई है। तो अभी अगर हम देखें, ये जो पूरा दरख्त है, ये गर्मियों में पूरा ग्रीन होता है, लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं, ये सारे पत्ते इसके झड़के, ये बिल्कुल गंजा हो जाता है एक तरह से। अभी इसमें जब बर्फ़ लटकेगी और जब सूरज चमकता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई लाइटें जला दी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे नेबर ने अपना जो पोर्शन हम आपको बता रहे थे फुटपाथ के, वो साफ कर दिया है। अभी ये हमारा रह गया है, तो अभी हम भी इसकी सफाई करेंगे। और ये दूर तक आप देख सकते हैं कि हर जगह बर्फ ही बर्फ मौजूद है। और हर बंदा जो है उसको अपने अपने ड्राइवर को जैसे उनको मौका लगता है फुटपाथ को, वो उसको साफ करते हैं। तो अभी हम भी बर्फ़ साफ करेंगे अपनी गाड़ियों पर से, और फिर आप देख पाएंगे कि हर बंदे को ये काम खुद करना पड़ता है। तो लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दोस्तों, बर्फ़ साफ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ये शावल होती है, जो कि हर घर में ये शावल रखी होती है। और इसमें ये होता है कि सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप इसको अपने जो घर के आगे की बर्फ़ है वो उसको पुश करते हैं साइड में, ताकि आपको चलने का रास्ता मिल जाए। जो हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि सारी जो बर्फ़ है वो हमें पुश करेंगे, और पुश करने के बाद ये सब जो बर्फ़ है वो साइड में हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इस पे नमक डालेंगे ताकि जो बर्फ रह गई है वो भी वापस मेल्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस है जो कि हर बंदा करता है, और ये शावल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली हर घर में ये ड्राइवर गैरेज में रखी होती है, और फिर वो उसको शावल कर रहे हैं। तो हम भी यही कर रहे हैं, हम आखिर में एंड में जाके इसको साइड में कर देंगे, बर्फ को पुश करके गाड़ी को मूव कर देंगे ताकि ये जगह बन जाए और बर्फ साइड में हो जाए। तो अच्छा लगता है सर्दियों में बर्फ साफ करना, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, खासतौर पर जब -20 होता है, -30°C होता है, तो उस वक्त बर्फ को पुश करना, साफ करना, वो बड़ा भारी लग रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये कनाडा की ब्यूटी है, और ये एक फ़न भी होता है जिसमें आप बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें जो है बर्फ़ से रिलेटेड उसी गेम्स होते हैं, तो वो भी खेल रहे हैं आप। तो इस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम फिर बाहर का सफाई करते हैं किस तरह। अब हम इस ब्रश की मदद से गाड़ी को बर्फ निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन कितने इंच होगी, 2 इंच होगी या 2 से ज़्यादा, ये आज बर्फ़ इसके ऊपर है। और हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है ताकि गाड़ी के अंदर हीट भी पैदा हो जाए, और गाड़ी सर्दियों में जब हम कल जॉब पर जाएं तो हमें ये परेशान ना करे। इसलिए ये कोशिश होती है कि जैसे मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है तो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए सुबह शाम में स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो जो है ईजीली हमें परेशान ना करें जब हम काम पर जाएं। तो वैसे तो
इनमें बैटरियाँ बहुत स्ट्रांग लगी होती हैं, लेकिन फिर भी वेदर है, और जब स्पेशली -20 और समटाइम -30 होता है इधर, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये है कि गाड़ियों को बैटरी से और उसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको बड़ी हेल्प करता है। अब देख रहे हैं कि ये बर्फ़ को हम स्क्रैच कर रहे हैं, इसके बाद हम जब ये बर्फ साफ हो जाएगी तो फिर हम उसको गाड़ी को नीचे उतार देंगे और फिर अपने ड्राइवर को मुकम्मल साफ करेंगे। अभी तो ये है कि ये सारी बर्फ इधर ही गिर रही है ताकि जितना भी बर्फ है वो ड्राइवर पे आ जाए। ये हैंडल भी है, इसको बर्फ जमी हुई है ताकि ये आराम से खुल सके, न कभी कभार ताला जो है वो फ्रीज हो जाता है तो जो लॉक है चाबी अंदर नहीं जाती। इस तरीके से हम गाड़ी पे से बर्फ़ साफ कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम बर्फ़ की जो लेयर है वो साफ हो जाए ताकि हमें इजी हो जाए। आप देख रहे हैं कि बर्फ साफ हो रही है और बर्फ साफ करने का जो अमल है ये एक इंटरेस्टिंग भी होता है और कभी कभार बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, स्पेशली जब बर्फ ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल आपने काम तो खुद ही करना है क्योंकि आपकी गाड़ी है और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है, बल्कि 99% लोग खुद काम करते हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तरह नौकर रखने का रिवाज नहीं होता, हर बंदे को अपना काम खुद करना पड़ता है। इवन बहुत सारी जो माइनर रिपेयर्स हैं वो भी हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वजह यह है कि एक तो कनाडा में लेबर एक्सपेंसिव है और दूसरा यह है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको लोगों को या किसी बंदे को सर्विस हायर करना पड़ेगी और वो आपको फिर आएगा, वो चार्ज करेगा। अब क्योंकि कनाडा में जो मोस्टली चार्जेस हैं वो पर आवर होते हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि अगर आप काम करें ना करें या जो बंदा आ रहा है उसने तो जितना टाइम लगाना है वो उसके हिसाब से चार्ज कर रहा है और उनका मीटर तो चल ही रहा है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर जो काम है वो खुद ही किए जाएं ताकि मैक्सिमम आप अपनी सेविंग कर सकें, पैसे बचा सकें। और पाकिस्तान की तरह यहाँ नौकर रखने का रिवाज भी नहीं होता कि आप सोचें कि यार चलो मैं नौकर रख लेता हूँ और वो आपके काम कर दे। रख सकते हैं लेकिन या तो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली या ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि उनके नौकर होते हैं, लेकिन एक एवरेज कैनेडियन या जनरल पर्सन वो जो है अपना काम खुद करते हैं। तो बर्फ़ जो है बेसिकली काफ़ी गिरी है क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि इसने अच्छा खासा जो है डिपॉजिट किया हुआ है और जो है और चार्ज कैसे ठीक है जा रहे चले लेट्स गो और सब ठीक है, छोड़ जाऊँगा चले जाएंगे
चलें। तो ये हमने बर्फ जो है गाड़ियों पर से साफ कर ली है। जैसे आपने देखा था कि हमारे दरवाजे पे भी काफी बर्फ जमा हुई हुई है। अब हम इसको दरवाजे से भी बर्फ साफ करें ताकि हमारे आने का रास्ता वो बन जाए। अदरवाइज यही होता है कि अगर आप बर्फ साफ नहीं करेंगे तो वो बर्फ पाँव के साथ अंदर चली जाती है। तो ये जो बेलचा है, चावल जिसे हम कहते हैं, ये हमने एक मुस्तकिल यहाँ रखी हुई है ताकि जल्दी जल्दी में हमें गरी नहीं फैलना पड़े और इमीडिएटली हम यहीं से इसको साफ कर सकें। तो इससे ही होता है कि ज़रा ईजी हो जाता है, चावल लेके फटाफट आपने क्विकली क्विकली, अभी टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी में हम इसको तो थोड़ा सा ही साफ कर देते हैं और फिर इसके ऊपर नमक डाल देते हैं ताकि ये स्लिप ना हो सके, क्योंकि बर्फ़ की वजह से ये चिकना हो जाता है और चिकना होने की वजह से वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये हम चके बर्फ को साफ कर रहे हैं सीढ़ियों पर से, उसके बाद फिर इस पर बर्फ नमक डाल देंगे चौक, तो ये है कि फिर वो स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बर्फ साफ हो गई ऑलमोस्ट, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी पे से हम किस तरीके से बर्फ साफ करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने ब्रिज के अंदर से गाड़ी पे से बर्फ साफ कर ली थी, तो ये ब्लोअर है, हम जो बकाया बर्फ रह गई है तो वो हम ब्लोअर की मदद से साफ करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स
करके बताइएगा मैं आपको वीडियो कैसे रखूँगा।